कति नहीं है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 50 का प्रिंट आउट लेंगे तो आज हाफ सेंचुरी पूरी होती है हमारी। 50 नहीं है, 50 50 होगी यार, मेरी रिकॉर्ड 50 बोल रहा है ये देख। ओ अच्छा अच्छा आई एम सॉरी, आपकी असाइनमेंट मेरे हिसाब से 50 है। उसका रीज़न है दो टॉपिक्स हैं स्प्रिंग के, वो मैंने गलती से नंबरिंग 48 49 होनी चाहिए थी, मैंने इसका 50 कर दिया। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जब चैप्टर लिखा गया तो वो पहले लिखा गया, ये बाद में लिखा, मतलब उसमें वर्क एंड एनर्जी दो पार्ट्स हैं ना इसके, तो पहले मैंने एनर्जी लिख दी फिर मैंने वर्क लिखा और मैंने सेव उसको उल्टा कर दिया। करवाना भी मेरे को एनसीईआरटी के हिसाब से ही है क्योंकि बेसिक्स बहुत वैसे ही चलेंगे जैसे बुक्स में है, तो मैं इसको 50 नंबर करना, 48 अपने आप आ जाएगी थोड़े दिनों में, भी नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। तो ठीक कह रहे हो यार ये, पर अब मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया 50, तो 50 नंबर का प्रिंट आउट लेना, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो वर्क एनर्जी एंड पावर, हमने लास्ट टाइम इसकी इंट्रो भी की थी, पर वो इंट्रोडक्शन थी, मैंने ऊपर ऊपर से बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन आज फॉर्मलाइज करेंगे चीज़ें लिखनी कैसे हैं स्कूल्स के अंदर, और कॉन्सेप्ट को बिठाना कैसे दिमाग के अंदर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ऑब्जेक्टिव्स तो वो एकदम जो है बिल्कुल उसमें माइनस साइन प्लस साइन बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें, तो अब फॉर्मलाइज करते हैं। तो सबसे पहले वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स ऑन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अगर आप एक फोर्स लगाते हो और बॉडी उस फोर्स की तरफ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, आप बोलते हैं वर्क डन हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी आप कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ। फिर एफ और एस अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगल उनके बीच में क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एंगल जीरो होगा तो वर्क डन एफ इंटू एस। लेकिन अगर एफ एंड एस आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन नहीं है जैसे एफ वेक्टर इधर है एस वेक्टर इधर है, तो आपने एफ का कंपोनेंट लेना है एफ कॉस थीटा, क्योंकि एक्चुअल में एफ कॉस थीटा कंपोनेंट बॉडी को राइट मूव करवा रहा है, क्योंकि राइट की तरफ एक ही कंपोनेंट ऐड कर रहा है एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर इन शॉर्ट एफ एस कॉस थीटा, या इन शॉर्ट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया यहाँ तक, तो वो शीट लिखनी जरूरी थी ताकि आप उसमें घूम जाओगे, पढ़ना क्या समझ में नहीं आएगा। अब ये सीक्वेंस चलेगा, नेचर ऑफ वर्क डन, तीन तरीके के वर्क डन पॉसिबल है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, और वर्क डन जीरो भी होता है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा लेस देन 90 होता है, क्योंकि मैथ्स में जब हम वर्क डन एफ एस कॉस थीटा लेते हैं और थीटा अगर लेस देन 90 है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा क्या हुआ, ग्रेटर देन 90, तो जैसे मान लो 120 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड। सेकेंड में कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, पॉजिटिव वर्क डन तो क्लियर है, एफ और एस में जब एंगल लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने एक बॉडी को ग्रेविटी के अंडर घेरा, आपने छोड़ दिया, काम किसने किया, ग्रेविटी ने किया, ग्रेविटी ने क्या किया, बॉडी को पुल किया, फोर्स कहाँ लगाई, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, नीचे, एंगल बिटवीन नीचे एंड नीचे इज जीरो, नीचे नीचे जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, स्प्रिंग को खींच रहे हो, फोर्स कहां लगा रहे हो, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, इस तरफ, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अगेन जीरो, तो वर्क डन फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये सारे वर्क डन जिसमें जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जिसमें नेगेटिव वर्क डन आता है। नेगेटिव वर्क डन में सबसे पहली कंडीशन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90। जैसे एग्जांपल है, मान लो एक मिनट के लिए आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, मान लो देयर इज अ ब्लॉक, आप ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हो, ठीक, आपके पास एक ब्लॉक है और आप ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हो, ये लो, ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट। तो ये मेरी अप्लाइड फोर्स है मान लो 10 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन है 4 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है बाय 3 मीटर लेट अस सपोज,
तो पहला क्वेश्चन आएगा कि वर्क, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स। तो जब मेरा वर्क डन पूछा जाएगा तो मेरी फोर्स लेंगे, मेरी फोर्स कहाँ है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, राइट। तो वर्क डन बोलो क्या आएगा, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 इंटू एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 क्या है 1। तो इसमें वर्क डन किसकी वजह से निकला, मेरी वजह से, मेरी फोर्स की वजह से। लेकिन अगर वो ये बोलता है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अब मैं फोर्स किसकी लूंगा, अपनी थोड़ा लूंगा, अब मैं फोर्स फ्रिक्शन की लूंगा। तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है 4, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3, क्योंकि फ्रिक्शन भी 3 मीटर तक एक्ट करती रही, लेकिन एंगल इनके बीच में क्या होगा 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180, cos 180 क्या होता है -1, तो आंसर क्या आएगा -12। तो यानी कि फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अगर राइट होगी तो फ्रिक्शन लेफ्ट होगी, दोनों में एंगल 180 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, जितनी भी रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, उनके उनका जो वर्क डन होता है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फ्रिक्शन, एंगल 180 होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग व्हीकल, टायर पे ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही फ्रिक्शन है, रबर के पैड्स हैं वो टच करते हैं टायर को, टायर आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कार की आगे हो रही है और फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो फिर से वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अगर कोई कहे फाइंड, इसी के अंदर फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स, अब नेट फोर्स में क्या होगा, ये 10 अपोजिंग फोर्स कितनी 4, तो फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे 10 - 4, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, दिस इज नेट फोर्स, और जिसकी डायरेक्शन कहां आएगी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि नेट फोर्स कहां आएगी टुवर्ड्स राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें 3, कॉस ऑफ एंगल फिर से क्या आएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स कहां लग रही है टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है टुवर्ड्स राइट, तो F into S into cos 0, तो तीनों में आंसर डिफरेंट आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तीनों आंसर्स डिफरेंट आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है जीरो वर्क डन। देखो जीरो वर्क डन कब होता है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स उसकी कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। उसकी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, टेंजेंशियल। याद है जब बहुत बड़ा चक्कर अगर मैं काटता हूं पूरे, मान लो चंडीगढ़ पंचकुला का पूरा बड़ा चक्कर, तो कुछ देर के लिए मैं कैसे चलता हूं सीधा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है टुवर्ड्स सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वह टुवर्ड्स रेडियस एक्ट करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड रेडियस सेंटर, और मेरी डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी टेंजेंशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है तभी तो वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होती है, तो एंगल हर वक्त उनके बीच में क्या बनेगा 90, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो। कई लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि क्योंकि बॉडी यहां से शुरू हुई वापस यहीं पे आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आंसर जीरो है, नहीं सोचना ऐसे, आपने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर सपोज मैं बोलता हूं कि बॉडी सेमी सर्कल में मूव कर रही है, तो भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी सर्कल, आधे सर्कल के लिए भी, तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हर वक्त क्या बनता है इसमें 90 ही बनता है, इसलिए वर्क डन की वैल्यू चाहे सेमी सर्कल हो चाहे सर्कल हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा हमेशा जीरो ही होता है। तो स्ट्रेट वे आपने, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, आंसर सीधा क्या मार्क करेंगे जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट है कुली जीरो वर्क डन करता है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कुली सामान कैसे उठा रहा है ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल हमेशा क्या बना रहा है 90,
एफ एस कॉस 90 इज 0। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज सपोज एक पेंडुलम है, पेंडुलम मान लो नीचे की तरफ आ रहा है, पेंडुलम को आप सर्कल सर्कुलर मोशन में कंसिडर करते हो, तो पेंडुलम नीचे आ रहा है, पेंडुलम की जो टेंशन है रस्सी में टेंशन यहां होगी, कहां पॉइंट आउट करेगी? टुवर्ड सेंटर, टी वेक्टर, और पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी टेंजेंशियल है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है। टेंजेंट और रेडियस में हर वक्त एंगल क्या रहेगा? 90। तो क्वेश्चन आएगा सिंपल पेंडुलम के अंदर टेंशन कितना वर्क डन करती है? आपने बोलना है जीरो करती है। कोई पूछेगा क्यों जीरो करती है? आप बोलेंगे कि टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर वक्त, क्योंकि एंगल क्या बनता है? 90। तो टी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 विल गिव जीरो। क्लियर है यहां तक? तो कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं कि कहां कहां वर्क डन जीरो लेना है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगर आपको इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन हो, जैसे आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसी आर एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऐसे गिवन हो, एस एक्स आई कैप, एस वाई एस जेड, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। इसकी बजाय मैं आप न्यूमेरिकल लिख के लाया हूं, जैसे फोर्स वेक्टर आपको क्या गिवन है? 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या गिवन है? i कैप, 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन आएगा वर्क डन निकालो, आप क्या करोगे? f वेक्टर डॉट s वेक्टर, f वेक्टर लिखो डॉट s वेक्टर लिखो, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, कर लोगे डॉट प्रोडक्ट, सीधा आंसर आएगा 12 जूल। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो जरूरी नहीं है कि एफ एस कॉस थीटा में थीटा गिवन हो, अगर वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर एस वेक्टर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट से सीधा आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन करो। कितने को आ गया? देखो इसके अंदर करना क्या है, आपको ये गिवन है गार्डनर पुशेस अ रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, आपको डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, आपको ये पता है फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 kg वेट, मैंने बताया हुआ है अगर kg वेट गिवन है सबसे पहले 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको किसमें कन्वर्ट करें? न्यूटन में। आपको वर्क डन निकालना है और एंगल आपको गिवन है 60, तो फॉर्मूला इज एफ एस कॉस 60, फोर्स की जगह 20 इंटू 9.8, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना 20 इंटू कॉस ऑफ 60, निकाल लेना, इतने जूल आंसर आएगा। सॉल्व कर लोगे? ठीक, जिनका हो गया वो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइक्लिस्ट का ये रोलर है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये 60 डिग्री है, एफ एस कॉस 60, एफ और एस के बीच में एंगल देखा जाता है ना, तो रोलर तो ऐसे ही खींचेगा वो या पुश करेगा कुछ भी, एंगल तो डिस्प्लेसमेंट और एफ में 60 डिग्री गिवन ही है।
साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग, स्किडिंग का मतलब वो स्किड मतलब घिसटता हुआ आ रहा है, साइकिल नहीं चला रहा वो, बेसिकली ब्रेक लगा दिया और स्किड करता हुआ आ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितने कवर करता है 10 मीटर. तो अगर ये साइक्लिस्ट है और स्किड करता हुआ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितने कवर कर गया 20 मीटर. लेकिन इसमें क्या हुआ, स्किड करने में क्या लगेगी, फ्रिक्शन. तो उसने कहा कि द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, तो इस सड़क ने इस साइक्लिस्ट पे क्या लगाई होगी, सड़क तो बेचारी क्या लगा सकती है, फ्रिक्शन लगाएगी. तो फ्रिक्शन कितनी लगा गई, 200 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये फ्रिक्शन किसने लगाई, रोड ने लगाई. तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू, ऑब्वियसली फोर्स किसने लगाई, रोड ने, कौन सी, फ्रिक्शन. तो वर्क डन बाय रोड का मतलब यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक ही बात है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव. तो 200 इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस, तो आंसर आएगा -4000 जूल. माइनस साइन का मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ओह अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 10 है, ओके डिस्प्लेसमेंट 10 ले लो जी, 10 ले लो फिर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया. ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें. अब क्वेश्चन में वो ये क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. भाई अगर रोड ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाई तो फिर साइकिल ने भी रोड के ऊपर फ्रिक्शन ही लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट. साइकिल वाला स्किड करेगा तो सड़क भी मूव करेगी, सड़क की डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो टोटल वर्क डन इज जीरो. मतलब वर्क डन जो करेगा साइकिल वाला वो तो जीरो ही करेगा, रोड ने तो वर्क डन कर दिया बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन, पर साइकिल वाला वर्क डन नहीं कर पाया क्योंकि रोड मूव हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या आएगा उसकी वजह से, जीरो. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक फोर्स एक्ट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि आई कैप भी है और जे कैप भी है, के कांस्टेंट है कोई भी, एक पार्टिकल पे एक्स वाई प्लेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले गए कहां तक, a,0, तो a,0, तो इसका पोजिशन वैक्टर कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये इसका पोजिशन वैक्टर है r1 वैक्टर. तो r1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a i cap plus 0 j cap, पोजीशन वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तक a,0 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये तो कोऑर्डिनेट है, तो a के पीछे i cap, 0 के पीछे j cap, तो r1 वेक्टर की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद वो कह रहा है कि देन इट इज प्लेस पैरेलल टू y एक्सिस, फिर हम उसको कहां पे ले गए, यहां पे ले गए, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, a,a, करेक्शन कर लो, a,0 नहीं है ये, a,a का पॉइंट है, करेक्शन करो, दिस इज a,a, ठीक, a,a का मतलब कि इसकी अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर से वेक्टर यहीं से बनेगा, दिस इज r2 वेक्टर, तो ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, और ये
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आर टू वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए आई कैप के पीछे ए जे कैप, करेक्शन कर लेना यहां पर, ए आई कैप ए जे कैप है ये जे कैप, ठीक है यहां तक आपको दोनों। यही है ऐसा है, उसने कहा पहले यहां गया फिर यहां गया, ठीक। तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कह रहे हो कि ये होनी चाहिए थी, राइट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है कि फोर्स वेक्टर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो काउंट होगा दो पोजीशंस दे दी उसने, पहले वो ए कॉमा जीरो पे था फिर वो ए कॉमा ए पे आया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए पे आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये दो इनकी पोजीशंस है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कौन है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि आर टू वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ आर वन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये वेक्टर क्या आ गया, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर टू वेक्टर अभी आपने मुझे बताया ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप, आर टू वेक्टर पता है आर वन वेक्टर पता है, दोनों की वैल्यूज को पुट कर लिया, दोनों को पुट करके एस वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ए जे कैप, बाकी आपका क्वेश्चन है, ये आपने करना है बाकी, ठीक। तो वर्क डन निकालो, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, करो डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो वर्क डन बोलो क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है माइनस के इनटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट एस वेक्टर हमने निकाल लिया ए जे कैप, ठीक। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, माइनस के को ऐसे रहने दो, आई डॉट जे क्या होता है जीरो, J डॉट J वन, तो क्या आएगा X इंटू ए, ठीक। J वाली टर्म को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो X इंटू ए बच गया, ये I डॉट J तो जीरो है, J डॉट J वन है, तो क्या आएगा X इंटू ए, ठीक। वर्क डन की वैल्यू आ गई यहां पे, डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक। अब आंसर में क्या करना है, देखो X कोऑर्डिनेट आप यहां पे हो चाहे आप यहां पे हो, x कोऑर्डिनेट हर वक्त कितना है a, तो आप एंड में x की जगह पुट कर दें a, तो माइनस a इंटू ए माइनस k इंटू a का स्क्वायर, आंसर माइनस k इंटू a का स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को आपने a पुट कर लेना आंसर। ठीक है,